आज कक्षा दसम के विद्यार्थियों के लिए है अर्धवार्षिक परीक्षा कक्षा दस विषय विज्ञान। देख रहे हैं पूर्णांक 70, समय 2.5 घंटा, पेपर कोड है 2310। देख रहे हैं ना, सेट वन पहला पेपर होगा, जरूर सभी सेट आपके पास भेजे जाएंगे, चैनल में डाला जाएगा, कोई ना कोई सेट जरूर हमारा विद्यालय में आपके मैच करेगा। देख रहे हैं ना, इसके लिए आप नवीन छात्र हैं तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन घंटी दबा दीजिए ताकि आने वाला वीडियो आपको सबसे पहले प्राप्त हो। वीडियो को इतना शेयर करना कि सर्च रैंकिंग में श्री गणेश अकेडमी पहला स्थान प्राप्त करे ऑल इंडिया, पूरे यूपी में, पूरे भारतवर्ष में बिखेर दीजिए, फैला दीजिए चैनल के बारे में, अपने इष्ट मित्र सगे संबंधी जो भी आस पड़ोस के हैं, जो अन्य विद्यालयों में पढ़ते हैं या कहीं पर भी हैं, उनको बताइए कि श्री गणेश अकेडमी एक ऐसा चैनल है यूट्यूब पर जो कम से कम 10-15 सेट पेपर डालते हैं, कोई ना कोई पेपर पूरा मैच करता है, विद्यालय में आता है, सिर्फ आपको शेयर करना है, दो चार विद्यार्थियों को जोड़ना है बस केवल। तो अगर आप जोड़ते हैं, शेयर करते रहते हैं तो आपको पेपर 10-15 सेट संपूर्ण हल मिलेगा हर विषय का निश्चित रूप से, समझ रहे। अभी एक सेट पूरा होने वाला है, सेट वन, अभी कक्षा 11 के कुछ पेपर बाकी हैं, उनको डाल करके 1-2 दिन में कंप्लीट कर लिया जाएगा, फिर सेट टू शुरू कर दिया जाएगा। बहुत महत्वपूर्ण सेट टू पेपर आएगा, वो जो विद्यालय में चल रहा है पेपर, सरस्वती विद्या भारती से जो संचालित होते हैं उनका पेपर डाला जाएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, यूजफुल होते हैं। पहला क्वेश्चन है, बहुविकल्प दिया गया है, देख रहे ना, लेंस की क्षमता का या साई मात्रक होता है, 4 विकल्प दिया गया है, जो विकल्प सही है उसमें मैंने टिक कर दिया है, डाइऑप्टर। प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है कांच में, देख रहे हैं ना। तीसरा क्वेश्चन है, मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा होता है उत्तल दर्पण, और स्टोमाटा पौधे के किस अंग में पाया जाता है, पत्तियों में, चौथा हो गया। पांचवा क्वेश्चन है, मानव हृदय का औसत प्रकुंचन दाब है लगभग 120 mmHg, देख रहे हैं ना। अब छठवां क्वेश्चन है, कुटपाद किस में पाया जाता है, अमीबा में, देख रहे ना। एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है, वीडियो को पूरा देखना, स्किप नहीं करना है, शेयर करना नहीं भूलेंगे। चीटी के डंक और नेटल के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, मैथेनाइक अम्ल, देख रहे ना। अगला है नौवां क्वेश्चन, मानव हृदय में पाए जाते हैं 4 भस्म। दसवां क्वेश्चन है, दही के जमने में निम्नलिखित में कौन सी क्रिया होती है, किण्वन, देख रहे ना। आगे लिखा गया है, कृपया पन्ने पलटिए, बिल्कुल वीडियो को पूरा देखेंगे, स्किप नहीं करेंगे, नए पुरातन दोनों प्रकार के छात्र, शेयर इतना शेयर करिए कि सर्च रैंकिंग में श्री गणेश पहला स्थान प्राप्त करें। शेयर करेंगे तो आपको पूरा का पूरा आपको पेपर मिलेंगे, 10-15 सेट मैं भी लगा हूँ, आप भी लगे रहिए ताकि आपका परीक्षा अच्छी तरह से संपन्न हो। जब मैं 10 सेट पेपर डालता हूँ तो इसका मतलब है पूरा पढ़ाई आपकी तैयार हो जाती है। बहुत समय अभी रख लीजिए, तैयारी कर लीजिए, नकल नहीं करना है, समझ रहे हैं ना। अब कौन सा सेट आएगा, किसके विद्यालय में कौन सा सेट आता है, ये मैं नहीं बता पाऊँगा, लेकिन हमारे जो पेपर डाले जा रहे हैं सभी के सभी पेपर किसी न किसी विद्यालय में ज़रूर पहुँचेंगे, समझ रहे हैं। तो किसी विद्यार्थी को 10 मैच कर रहा है, किसी का या 0 NM करेगा, किसी को CR करेगा, किसी को प्लेन करेगा, तो सभी प्रकार के पेपर हम डालेंगे, समझ रहे हैं। लेकिन आपको शेयर करना है, घबराना नहीं है, केवल तैयारी करने में जुटे रहिए, 15 अक्टूबर तक बहुत पेपर डाल देंगे हम। ये सब OMR के क्वेश्चन हैं। कवक में पोषण की कौन सी विधि है, तो मृत जीवी। बारहवां क्वेश्चन है, लिक्विड में कौन उत्सर्जी अंग है, तो ब्रिक। इंसुलिन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है, मधुमेह, देख रहे ना। निम्नलिखित में कौन सा सही है, 4 विकल्प दिया गया, इनमें जो सही होगा टिक कर लेंगे अपने सर जी से पूछकर। अगला है, एक उत्तल लेंस की क्षमता 2 डायोप्टर है, इसकी फोकस दूरी होगी 50 सेंटीमीटर। एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, उसकी वक्रता त्रिज्या होगी 40 सेंटीमीटर। नौसादर का रासायनिक सूत्र है NH4Cl। अगला है, उपधातु है एंटीमनी। अगला, कौन सी अधातु द्रव अवस्था में पाई जाती है, तो Br। कौन सा पाया जाता है, Br पाया जाता है। अगला है, बल का मात्रक है न्यूटन। अब वर्णात्मक क्वेश्चन है, बड़े वाले खंड का वर्णात्मक क्वेश्चन छोड़ेंगे, एक भी नहीं क्वेश्चन, पूरा हल करेंगे तभी आप टॉप करेंगे। प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, एक अवतल दर्पण के सामने 15 सेंटीमीटर पर वस्तु रखी है, यदि दर्पण की फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर हो
तो प्रतिबिंब की स्थिति प्रकृति का आवर्धन बताइए। प्रकाश के परावर्तन के नियम क्या हैं, इन्हें रेखा चित्र बनाकर समझाइए। निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं, इस दोष के क्या कारण हैं, इसके निवारण के लिए किस प्रकार का लेंस प्रयुक्त किया जाता है, किरण आरेख द्वारा समझाइए। देख रहे हैं ना, पूरा का पूरा नंबर आपको मिलेगा। अगला क्वेश्चन है, आवश्यक किरण खींचकर प्रिज्म की सहायता से पृष्ठ कीजिए कि सूर्य का श्वेत प्रकाश विभिन्न रंगों का मिश्रण होता है, अथवा एक अवतल दर्पण के सामने रखी वस्तु का प्रतिबिंब किरण आरेख बनाकर समझाइए तथा प्रतिबिंब की स्थिति तथा प्रकृति भी बताइए। देख रहे हैं ना, अगला है इसमें, देख रहे हैं ना, जब वस्तु वक्रता केंद्र से दूरी रखी है, वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी है, वस्तु फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच रखी है, वस्तु फोकस तथा दर्पण के ध्रुव के बीच रखी है। उपखंड खा, निम्नलिखित रासायनिक समीकरणों को संतुलित कीजिए। देख रहे हैं, समीकरण लिखे गया, इनको संतुलित करना है आपको, सब पूरा आपको दिखाई दे रहा है। छठवां क्वेश्चन है, निम्नलिखित अभिक्रियाओं के प्रकार का नाम बताइए। JJN प्लस टू HCI तीर, फिर JJN Cl2 प्लस H2, इस तरह से AgN O3 प्लस KCl तीर, KN3 प्लस AgCl। निम्न को कैसे प्राप्त करोगे, रासायनिक समीकरण लिखिए। बेकिंग सोडा से धावन सोडा, जिप्सम से प्लास्टर ऑफ पेरिस। निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। ऊष्मा छेपी और ऊष्मा शोषी। नंबर ब, संक्षारण अवक्षेपण अभिक्रिया अथवा प्लास्टर ऑफ पेरिस का एक गुण तथा इसके दो अनुप्रयोग लिखिए। अम्ल तथा क्षारक से आप क्या समझते हैं, दैनिक जीवन में के दो अनुप्रयोग बस समझाइए। खंड का पूरा देख रहे हैं ना, पोषण क्या है, उचित उदाहरणों सहित स्वपोषी तथा विषमपोषी पोषण को समझाइए। कृपया पन्ना पलटिए, देख रहे हैं ना, बिल्कुल आपको छोड़ना नहीं है। अगला है, प्रतिवर्ती क्रिया तथा टहलने में क्या अंतर है, प्रतिवर्ती क्रिया में मस्तिष्क की क्या भूमिका है, आक्षी तथा अनाक्षी श्वसन में अंतर उदाहरण सहित लिखिए। मानव हृदय का नामांकित चित्र बनाइए अथवा मानव मस्तिष्क का नामांकित चित्र बनाइए। देख रहे ना, यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, अत्यधिक शेयर करना। जय हिंद, जय भारत।